नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का एन के लाइव इंटर सेशन में मैं हूं आप सबकी मेज़बान सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर तीन पर हमसे जुड़ने का यानी हमसे रबता करने का एक और जरिया है आप सभी जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल यानी एन ऑफिशियल तो अगले आधे घंटे के लिए लेकर आए हैं तीसरी जमात के सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा हिंदी का ये सत्र तो कक्षा तीसरी के जो भी विद्यार्थी ये कार्यक्रम देख रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए दिलचस्प रहेगा तो आप सोच रहे होंगे कि हर रोज़ हम बेहतरीन विषय चुनकर लेकर आते हैं आप सभी के लिए तो आज क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको बता देते हैं कि हिंदी के इस सत्र के अंतर्गत आज हम आपको एक प्यारी सी कविता से रूबरू करवाएंगे जिसका शीर्षक है कक्कू तो क्या आप कक्कू के बारे में जानते हैं यदि आप पहले से ही उसे जानते हैं या थोड़ी सी भी अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और कक्कू के विषय में ही और जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस कविता बिश्त नमस्कार मैम नमस्कार आपका स्वागत करते हैं मैम हेड मिस्ट्रेस हैं केंद्रीय विद्यालय एन एम आर एन सी ई आर टी दिल्ली से और दर्शकों आप वो विभिन्न माध्यम जानते हैं जिनके ज़रिए आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा होगा और इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव और अपने मैसेजेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है एट एट ज़ीरो ज़ीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन और कक्षा तीसरी के जो भी विद्यार्थी यह कार्यक्रम देख रहे हैं यदि कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप सभी के लिए हमारी आधिकारिक मेल आई भी है आपकी स्क्रीन पर डी टी एच डॉट क्लास थ्री एट द रेट सी आर ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो इससे पहले कि इस चर्चा का आगाज करें जी ट्वेंटी से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दीयम दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द नेशन इज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी लेटरलिज्म इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी

जैसे सिमरन आपने हमें बताया बच्चों को भी बताया कि आज का शीर्षक है हमारा कक्कू तो सिमरन आपको कक्कू नाम सुनते ही किसकी याद आती है कक्कू तो मैम किसी को हम प्यार से कहते हैं हम्म एक चिड़िया भी है हाँ, कोयल है हाँ तो बच्चों कक्कू नाम सुनते ही आपको भी कोयल की याद आती है क्यों ना क्योंकि प्यार से हम कोयल को कक्कू कक्कू कहते हैं लेकिन इस कविता में पता है कक्कू कौन है कौन है हमारे साथ आया हुआ है ओ ये है हमारा कक्कू हेलो बच्चों हेलो सिमरन दीदी हेलो कक्कू बच्चों, मैं हूँ कक्कू मेरा प्यारा नाम है मुझे प्यार से कक्कू बोलते हैं। कक्कू मेरा नाम भी कक्कू है तो सिमरन ये है हमारा कक्कू पर पता है हमारा कक्कू थोड़ा ना कोयल की तरह है कि नहीं वो देख लेते हैं जो इस कविता में बताया बिल्कुल। गया है तो बच्चों हमें पता है कि हमारी कोयल होती कैसी है कैसे होती है हमारी कोयल उसकी सुरीली आवाज के लिए बहुत प्यारी होती है प्यारी रंग होती उसका काला होता कर, है पर उसकी आवाज बहुत, बहुत सुरीली होती है मीठी होती है।, है तो देखें हमारा कक्कू भी ऐसा है क्या तो कक्कू हा मैम आप भी कोयल जैसे हो हाँ मैम मैं भी कोयल जैसा हूँ मेरा नाम कक्कू है ना चलो हम देखते हैं कविता देखते हुए और सुनते हुए हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कक्कू है वो कोयल जैसा है कि नहीं है ठीक है जी तो अभी कविता की शुरुआत करते हैं हम हाँ? हां जी नाम है उसका कक्कू कक्कू माने कोयल होता लेकिन ये तो दिन भर रोता इसीलिए हम इसे चिड़ाते कहते इसको सक्कू नाम है इसका कक्कू कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू नाम है इसका कक्कू कक्कू वह जो गाना गाए बात बात में जो चिड़ जाए रहता मु जो सदा फुलाए गाना जिसको जरा ना आए ऐसे झगड़ा को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू नाम है उसका कक्कू तो बच्चों और सिमरन आपने यहाँ पे देखा कि हमारा कक्कू कैसा है हाँ जी क्या ही वो कोयल जैसा है नहीं मैम झगड़ा लू तो कोयल नहीं होती और इसकी आवाज भी इसकी आवाज भी कोयल जैसी सुरीली तो नहीं है हाँ तो बच्चों जैसे आपने इस कविता में देखा होगा कि हमारा जो ये कक्कू है वो कोयल जैसा मीठे गान तो गाता ही नहीं है हमेशा क्या करता रहता है रोता रहता और है और बात बात पे चिढ़ भी जाता है हाँ वो बात बात पर चिढ़ जाता है जैसे उसे कोई भी हंसी मजाक कर दो तो वो चिढ़ जाता है पर हमारी कोयल ऐसे होती है क्या बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं होती इसलिए पता है इसके दोस्तों ने इसका नाम बहुत सारे रखे हैं इसमें बहुत सारे नाम आए हैं हाँ, अभी फिर से हम एक बार हाँ आपने बताया क्या नाम है झक्कू झक्कू भक्कू सक्कू तो देखो बच्चों हम एक बार और कविता देखते हैं इसे और सुनते हैं कि हमारे इस कक्कू को किस किस नाम से और क्यों पुकारा गया ठीक है ठीक है सिमरन हाँ जी नाम है उसका कक्कू कक्कू माने कोयल होता लेकिन यह तो दिन भर रोता इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू नाम है उसका कक्कू तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा है कि यह दिन भर रोता है हमारा कक्कू इसलिए बच्चे उसे क्या कहते हैं सिमरन सक्कू क्या कहते हैं

वजह से उसका नाम भी दूसरा एक नाम और रखा हुआ है वो भी देख लेते हैं हम बिल्कुल कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिटोली इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू नाम है इसका कक्कू तो यहाँ पे सिमरन ये तो थोड़ी थोड़ी मजाक करते ही उससे हंसी मजाक करते ही ये ना बुरा मान बुरा मान जाता है तो बच्चों यहाँ पे तनिक जो शब्द आया है वो आपके लिए नया होगा तनिक यानी कि थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी भी टिटोली कि हंसी मजाक यानी कि हमारे के साथ अगर आप छोटा सा भी हंसी मजाक कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है नाराज हो जाता है नाराज हो जाता है और इसका नाम इसलिए क्या रख दिया भक्कू भक्कू देखो पहले कुछ और फिर कुछ और वो रो रोता है तो उसका नाम रख दिया सकु। सकु। और वो रूट जाता है इसलिए उसका नाम रख दिया भक्कू भक्कू देखो कितने नाम तो बच्चों जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आपके दोस्त भी आपका कुछ नाम रखा है आपके दोस्तों ने और रखा है तो वो क्या क्या नाम है क्योंकि हमारा भी हमारे दोस्त रखते हैं प्यार से पुकार हमारे घर वाले भी प्यार से हमारा एक छोटा नाम होता है एक हमारा नाम होता है पेट नेम जैसे बोलते हैं दस्तावेजीकरण में जिसका इस्तेमाल होता है और एक जो प्यार से नानी घर पे बुलाते हैं हमें तो अभी हम देखते हैं कि हमारे कक्कू को और किस नाम से जाना जाता है जी कक्कू वह जो गाना गाए बात बात में जो चिड़ जाए।, जाए रहता मुँह जो सदा फुलाए गाना जिसको जरा ना आए ऐसे झगड़ा लूको अब से क्यों ना कहे हम झक्कू नाम है उसका कक्कू तो सिमरन यहाँ पे आपने देखा कि ये बात बात पर अपना मुंह फुला लेता है फुला लेता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है अरे बाप रे, तो क्या क्या नाम बच्चों यहाँ आप देख सकते हो हमारे इस कक्कू का क्या क्या नाम रखा है सिर्फ कक्कू तो उसका नाम है पर सक्कू भक्कू और झक्कू रे तीन तीन नाम और तो क्या आपको ये नाम पसंद है कक्कू दीदी मुझे ना ये सब नाम नहीं अच्छा लगता मुझे ना अपना सिर्फ कक्कू नाम अच्छा लगता है पर मेरे दोस्त ना बुला लेते हैं पर दोस्त है ना मेरे तो मुझे अच्छा लगता है वो ज़्यादा नहीं चिढ़ाते कभी कभी चिढ़ाते पर ना चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती सिमरन सही कह रहा ना हमारा ये तो मैम बात सही है मजाक में तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन हर बार किसी को चिढ़ाना ये ठीक नहीं है हाँ देखो बच्चों हमारे कक्कू को भी अच्छा नहीं लगता चिड़ाना पर उसे बोलता है मेरे दोस्त है और मुझे प्यार से बोलते हैं कभी कभार तो मुझे अच्छा लगता है पर चिड़ाना अच्छी बात नहीं है <laughs> न और बच्चों आपको पता है, हमारा कक्कू किसी को नहीं चिड़ाता वो तो मुझे कह रहा था मैं तो किसी को नहीं चिढ़ाता मैम मुझे तो जो मेरे दोस्त हैं उन्हीं नाम से पुकारता हूँ पर मेरे दोस्त पुकारते हैं हाँ दीदी मैं किसी को भी नहीं चिढ़ाता मैं तो जो मेरे दोस्तों के नाम है ना रवि पुनीत आबान इन्हीं नाम से उन्हें पुकारता हूँ और उनसे बातें करता हूँ तो हमारा कक्कू कितना अच्छा बच्चा है देखो बच्चों ना पर पर ये कभी कभी नाराज भी हो जाता है इन नामों से पर कभी कभी खुश भी हो जाता है ज्यादातर तो ही रहता है अपने दोस्तों के कारण तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि हमारा जो एक कक्कू है बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है तो सिमरन आपका भी कुछ पेट नेम होगा आपको भी घर वाले कोई नाम से पुकारते होंगे बिल्कुल मेरा जो आ, असली नाम है वैसे वो सिमरन सिंह है लेकिन आ, मेरे घर वाले मुझे सिम्मी अच्छा, पुकारते हैं। हाँ बच्चों देखो अभी हमारी जो सिमरन दीदी है उनको भी तीन नामों से तो उन्होंने बता दिया कि पुकारते हैं और बुलाते हैं और तनिक भी उन्हें गुस्सा नहीं आता है क्योंकि प्यार से पुकारते हैं जैसे कक्कू कह रहा था कि मुझे भी गुस्सा नहीं आता है पर मेरी जो कुछ है ना मैं रोता हूँ और रुट जाता हूँ इसीलिए बच्चे मुझे बोलते हैं मेरे दोस्त और यहाँ पे हमारे सिमरन दीदी के भी कितने प्यारे प्यारे नाम रखे वैसे मेरा भी एक नाम है अच्छा तो बताइए हमें मुझे प्यार से घर सभी कवि बोलते है। कि मेरे जितने भी बड़े हैं मेरे मम्मी पापा वो सारे मुझे अपने कवि नाम से ही पुकारते हैं तो बच्चों ये रही आपकी कविता बहुत प्यारी कविता और बच्चों इस कविता के जो कवि हैं वो जान आपको पता है कौन है इस कविता के कवि हैं रमेश चंद्र शाह तो सिमरन बच्चों को हमेशा कवि के बारे में भी जानने की बहुत उत्सुकता होती है तो यहाँ पे इस कवि ने कितने अच्छे से वर्णन किया है और बच्चों को एक संदेश भी दिया है प्यार प्यार में बुलाना तो अच्छी बात होती है पर कभी कभार कभी कभी नाराजगी का भी कारण बनता है बनता है कि नहीं बिल्कुल मैम बनता है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है कि आ, किस तरह का उसका नेचर है कैसा उसका स्वभाव है क्या आपके मजाक को वो मजाक के रूप में ही ले हाँ। पा रहा है या फिर नहीं हाँ तो यहाँ पे हमारा कख तो नाराज़ नहीं होता है वो तो छोटा सा बच्चा तीसरी कक्षा का तो उसे तो पसंद आता है जैसे अभी हम बड़े हो गए आप बड़े हो गए लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हमें उस नाम से पुकारते हैं तो वैसे ही हमारे कक्कू को भी पसंद है अब इस कविता के साथ साथ बच्चों अगर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ध्यान से सुना होगा तो कुछ गतिविधियां लेके आई हूँ मैं तो करें उसे बिल्कुल और इन एक्टिविटीज को करने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है हाँ, और ये एक्टिविटी जो आज की है ना हमारी ऐसी है कि बच्चे खुशी खुशी से कर लेंगे कुछ है ही नहीं इसमें। इन्हें का, अच्छा, ये करना है हमें। ये तो हमारे हाथ का, हाथ का, का काम है बिल्कुल कर तो देर शुरुआत करते हैं ओके तुम लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें देखो तीन चित्र बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें एक चित्र में जिसमें दिखाई दे रहा है जब प्यार से हमें पुकारते हैं एक हमें चित्र दूसरा जो बीच में दिखाई दे रहा है जब हमें चिढ़ाते हैं और तीसरा जो दिखाई दे रहा है हमारे दोस्त हमें बुलाते हैं जैसे हमारे कक्कू को बुलाया जाता तो बच्चों ये जो गतिविधि ये आप ही करेंगे और हमें कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको अगर प्यार से आपके दोस्त या लोग पुकारते हैं तो किस नाम से पुकारते हैं अगर वो चिढ़ाना चाहते हैं आपको तो किस नाम से पुकारते हैं और आपके दोस्तों ने आपको क्या नाम दिया हुआ है तो सिमरन ये बच्चों के लिए छोड़ दें क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे बहुत प्यार से करेंगे और कहीं ना कहीं ये हमें बता भी देंगे कमेंट करके कि क्या इन्हें प्यार से क्या पुकारते हैं दोस्त क्या पुकारते हैं और चिराते किस hmm. नाम से है क्यों बच्चों सही है ना तो ये गतिविधि आपके लिए चलो हम दूसरी गतिविधि के और चलते हैं। सोचो और लिखो ये भी बहुत मजेदार गतिविधि है सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से भी बुलाया जाता है और वो क्यों बुलाया जाता है hmm. अब पहला है गप्पू तो सिमरन ये बता सकती हो गप्पू किसे बोलेंगे हम <laughs> जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। अरे हाँ सही कहा जो बहुत गप करता हो। गप्पे मारना जैसे बहुत पसंद है कपोड़ी होते हैं ना हम कहते हैं तो यहाँ पे उसे हम क्या पुकार रहे हैं गप्पो। वैसे सुनने के लिए अच्छा लग रहा है गप्पू ऐसे प्यारा सा ऐसे प्यार वाला नाम तो गप्पू एक है दूसरा है भोली तो यदि कोई बच्चा आ, बहुत ही शांत स्वभाव का हो भोला भाला हो तो मुझे लगता है उसको हम कह सकते हैं भोली हाँ भोली जैसे लड़की हो तो भोली और लड़का हो तो भोलू, भोला, भोलू अरे वाह <laughs> ये भी बहुत अच्छा है जो भी शांत स्वभाव का जैसे सिमरन ने हमें बताया जिनका स्वभाव बहुत शांत तो और भोला भाला हो उन्हें हम अगर कह सकते और अगर लड़का हो तो भोला भी कह सकते हैं और भोलू जैसे आपने बताया वो तो और भी अच्छा लग रहा है, सुनने के लिए। अब आता है ये तो बच्चों आप हमें बताएंगे कमेंट कीजिए जल्दी से हमें बताइए कि छुटकी हम किसे कहेंगे आ, बच्चों के लिए रख देते ये तो बहुत बहुत ही आसान है बच्चे बता भी देंगे और आखिर में आता है गोलू अरे वाह मैं मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के नाम तो गोलू प्यार से बोले बोले जाते हैं घर में भी मैंने देखा है कि जिनके खूब प्यारा सा गोल मटोल होते हैं उन बच्चों को गोलू बोल देते हैं जिनके प्यारे से गाल, गाल हैं होते हैं गोलू गोल, कहते हैं। गोलू तो बच्चों आपके भी आसपास और मुझे लगता है ना सिमरन कि कुछ बच्चों के यहाँ पे भी जो देख रहे हैं कार्यक्रम इसे उनके भी नाम गोलू हो सकते हैं गोलू मुझे लगता है सबसे प्यारा नाम है सबसे प्यारा और अधिकतर जी हाँ बहुत से गोलू हमें मिल जाते हैं गोलू मिल जाते हैं और हम प्यार से बोलते हैं ऐसे गाल पकड़ते हुए बोले गोलू जिनके गाल गोल गोल और गोल मटोल से हुँ। हैं हुँ। तो हम उन्हें कहते हैं गोलू तो हमने आपके लिए एक प्रश्न रखा है वो आप हमें तुरंत बताइएगा उसका उत्तर वो है कि छुटकी हम किसे बोलेंगे और क्यों बोलेंगे क्योंकि बाकी तो हमने बता दिया है भी बता दिया और मैंने भी बता दिया है तो एक छुटकी और मेरे ख्याल से काफी आसान है और आप आराम से उसे हमें बता लेंगे गतिविधि की और चलिए अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली अब यहाँ पे हमें भक्कू क्यों कहा गया था बच्चों हमने कक्कू को भक्कू भी कहा है झक्कू भी कहा है और सक्कू भी कहा है hmm. तो अगर आप भक्कू की बात करते हैं तो बच्चों ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे इससे आप ही के दोस्तों को अगर आप ये नाम रखना चाहते हैं जैसे भक्कू है झक्कू है और गप्पू है तो इन तीनों को आप किन किन दोस्तों को इस नाम से पुकारना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए अगर आ, बात करते हैं हम भक्कू की तो आप एक नाम बता दीजिए जिसको मैं भक्कू कहना हाँ। ओहो तो तो ये नाम ऐसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम हैं अरे देखिए तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हम कह सकते हैं मुस्कान मुस्कान देखो हमारी सिमरन दीदी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि की भक्कू किसे कहेंगे तो बच्चों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये आपके दोस्त हैं हम नहीं जानते कि आप के दोस्त को आप किस नाम से पुकारते हैं और किससे ये नाम देना चाहेंगे मजेदार आ है सिमरन ये भी गतिविधि जिसमें नाम ही सुन के हमें मजा आ रहा है और नाम रखना किसी का ये तो अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है दिलचस्प बात है पर बच्चों नाम रखना प्यार से हम बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर चिढ़ाने के पर्पस से है तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर आप उस जगह हो जैसे हम, हमारा ककू क्या बोल रहा था हमें कि मुझे ना जब चिड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन मेरे दोस्त प्यार से मुझे बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है देखो कुछ नाम होते हैं छुटकी छुटकी है। भोलू, 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 वो वो है। आया है भोलू आया है गोलू आया है। ये नाम मतलब अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हम चिढ़ाने के इससे करते है वो ना आपको करना चाहिए ना आप के लिए अगर कोई ये करता तो आप उसे रोकना, रोकना, चाहिए।, चाहिए हाँ और सिमरन यही नहीं अगर बच्चों ने अपने दोस्तों में दूसरे उनके दोस्त किसी उनके साथ बैठे हुए या खेलते हुए बच्चे के लिए भी ये करते हैं चिढ़ाते हैं तो ज़रूर ये उन्होंने खुद जाके उसको मना करना चाहिए जी। और आजकल के बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं मना कर भी देते हैं जैसे कक्कू तो मान गया है लेकिन बच्चे मान मना भी कर देते नहीं आप हमें इस नाम से नहीं पुकार सकते।, सकते अब देखिए अब जैसे गोलू नाम आया था जी Uh, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर किसी बच्चे का नाम गोलू है और अगर उनके घर के घर वाले स्कूल जाते हैं विद्यालय जाते हैं और वहाँ पे उनका जो असली नाम है नहीं पुकारते हैं और गोलू पुकारते हैं बच्चा मना कर देता है नहीं मुझे इस नाम से नहीं पुकारना मेरा जो नाम है वही नाम आप मुझे उसी नाम से पुकारो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी बिल्कुल हुआ है मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ है और बच्चे ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कई कि, बार हम शर्माते भी हैं शर्माते हैं तो ऐसे ही कारण होता है तो बहुत कुछ है इसमें लेकिन ये जो कविता है ना ये हम मतलब एकदम ये लिया है कोयल के साथ ले रहते हुए हमारे कक्कू के लिए और कक्कू इसे आसानी से लेता है क्योंकि उसके दोस्त उसे चिड़ा रहे ठीक है बच्चों अब आगे की गतिविधि करते मैं। हैं।, मैं। हैं चलो अब इस कविता को बच्चों हम पूरा करते हैं ठीक है अब है हमारी नई कविता का समय जैसे हमने कक्कू की बात कही थी तो वैसे ही अब कक्कू वह जो सदा हंसा है रोना उसे जरा ना आए वेरी गुड चिड़िया के संग गाना गाए संग मोर के नाच नचाए वाह इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू अरे वाह तो देखो हमारी सिमरन ने कविता कर ली पूरी तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि हम भी तो ये जो गतिविधि थी सिमरन यहाँ पे हम बच्चों को पूरी छूट देंगे जी ये तो हमने और आपने दोनों ने किया है तो यहाँ पे बच्चों आपको जो जो शब्द लगते हैं कि उसमें मतलब एक लय और ताल बन जाएंगी तो आप ज़रूर उससे हमें बताइएगा कमेंट करके बहुत सुंदर कविता और लास्ट में तो सिमरन ने हमें कहा है कि वो कक्कू लेकिन हम दूसरा नाम भी तो दे सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी पसंद का हाँ तो आपकी कविता आपकी हाँ ये स्वरचित हो जाती है इसमें शब्द ही तो भरने हैं हमने बिल्कुल अब एक और गतिविधि कर सकते हैं बिल्कुल मैम बहुत छोटी सी है बच्चों आपको बहुत पसंद आएगी तो हम एक छोटी सी और एक गतिविधि करते हैं जैसे कि आपके दोस्त होंगे तो हम उन दोस्तों के कोई भी पांच दोस्त आपके मिलके हम एक नामों का रेल गाड़ी जिसे बनाएंगे और खेलेंगे ठीक है सिमरन पांच पांच बच्चों की टोली बना लो अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो जैसे पहला अक्षर है राजू वर्णमाला याद है ना ठीक है अभी आपको वर्णमाला भी याद करनी है सिमरन जी मैम मैं इससे बच्चों के साथ साथ आपके साथ भी खेलूंगी बिल्कुल बिल्कुल तो बच्चों यहाँ पे जो पहला नाम दिया गया है वो है राजू तो राजू के बाद दूसरा नाम क्या आया है गरिमा गरिमा तीसरा नाम क्या आया है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है हाँ। और तीसरा नाम है कविता अच्छा फिर क्या नाम आया है अरे <laughs> सिमरन अच्छा इसमें बच्चों सिमरन दीदी तो यहीं पर बैठी हुई है और कविता मेरा नाम है और कभी कभी हमारे स्टूडियो में गरिमा भी आती है अब देखते हैं लास्ट में किसका नाम लिखा हुआ है मधु हाँ तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक रेलगाड़ी बनाई है जिसकी शुरुआत राजू नाम से की है फिर मैंने गरिमा का नाम लिखा है फिर मैंने अपना नाम लिखा है फिर मैंने सिमरन का नाम लिखा है फिर मैंने मधु का नाम लिखा है तो अब हमें क्या करना है सिमरन जी अब हमें बताना है आपको वर्णमाला आती होगी जी तो बच्चों आपको भी वर्णमाला याद होगी तो जल्दी से क्या करना है कि जो मैंने पांच नाम बताए हैं तो वर्णमाला याद करके इन नामों को वर्णमाला के आधार पर कौन सा पहला आएगा कौन सा दूसरा आएगा वैसे एक रेल बनानी है ठीक है फटाफट से करते हैं मैम इसे करते हैं चलो पहला नाम क्या आएगा तो हमारे पास पांच नाम हैं। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दोहरा देते हैं कि हाँ। कौन कौन से नाम हैं। हाँ। राजू हाँ। गरिमा कविता सिमरन और मधु तो, तो वर्णमाला के आधार पर जैसे हमें इन्हें प्लेस करना है तो सबसे पहले क आतन तो कविता सबसे पहला नाम आएगा ओके फिर उसके बाद क ख ग फिर है गरिमा अरे वाह फिर अच्छा फिर ये देखो ठीक है तो मधु अरे सही बहुत सही कह रहे हो आप और फिर फिर अब हमें ये सोचना है कि राजू और सिमरन में से कौन सा नाम पहले आएगा तो ये बच्चों के लिए छोड़ दे बिल्कुल ना बच्चों, बच्चों भी एक्टिविटी होनी और बच्चे भी तो याद करेंगे हमें भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों आपको वर्णमाला आती है कि नहीं तो राजू और सिमरन में से कौन सा नाम पहले आएगा वो हम पता करते हैं ठीक है जी मैम तो ये थी आज की हमारी गतिविधि और मैम मुझे लगता है कि कविता हमने आ, बहुत ही खूबसूरती से अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा दी है जी मैम आशा करते हैं कि उनको याद भी हो गई होगी कि उसके हमारे कक्कू के तीन नाम कौन से हैं और वो तीन नाम क्यों दिए गए हैं और हमने एक इसके साथ साथ इनको एक संदेश भी दिया है जी। कौन सा संदेश बच्चों मैम मैं बताऊ मैं बताऊ हाँ क्यों नहीं तो हमारे सभी दर्शकों के लिए ये पैगाम है जो भी प्यारे प्यारे बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं कि यदि आप प्यार से किसी का नाम रखते हैं जैसे गोलू भोलू तो वो तो अच्छी बात है लेकिन यदि आप चिड़ाने के पर्पज़ से किसी का नाम रखते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है सही सही कहा बिल्कुल आपने <laughs> और जैसे हमारा कक्कू था उसके बहुत नाम थे उसे कभी कभी पसंद आता था पर दोस्तों ने रखा था वो कह ही रहा था ना पर कभी कभी वो रूट भी जाता था उन बिल्कुल बिल्कुल न तो ये थी हमारी कविता बच्चों और ये था छोटा सा संदेश जो हमें सिमरन ने बता दिया है और बच्चों के लिए जो गृह कार्य मिला है वो भी बच्चे हमें डी टी एच डॉट क्लास थ्री एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन के जरिए भेज सकते हैं मैम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इतनी खूबसूरती से इतनी प्यारी सी कविता आपने हमारे सभी बच्चों को एक्सप्लेन की और आपके समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद सिमरन धन्यवाद बच्चों और जितने भी दर्शक यानी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कार्यक्रम देख रहे थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कहीं मत जाइएगा कुछ ही समय में वापस हाजिर होंगे एक और सत्र लेकर और इससे पहले कि आज के इस सत्र को यहीं विराम दें एक विशेष जानकारी जी ट्वेंटी से जुड़ी हुई आप सभी के लिए वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी and will convene the G20 Leaders' Summit for the first time in the country in 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very major role by finding pragmatic global solutions for the well-being of everyone and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam. और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली तो आप ई विद्या चैनल्स देखते रहिए और मैम मैं, मैं चाहूँगी जल्दी से कक्कू बाय कर दे हमारे सभी दर्शकों को कक्कू बाय करेगा हम कक्कू को बुलाते हैं फिर सिमरन की कक्कू आ जाए और सबको बाय कर दे अरे ये तो यही है हाँ तो कक्कू से ही हम इस सत्र का विराम करते हैं तो कक्कू फटाफट से सबको बाय कर दो बाय बाय बच्चों बाय सिमरन दीदी बाय कक्कू थैंक यू थैंक यू दीदी आपने बच्चों को बोला कि कक्कू को पसंद नहीं है चिड़ाना बच्चों आप भी नहीं चिड़ाओगे है कक्कू हम तुम्हारी बात मानेंगे ठीक है तो अब इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अगले सत्र का भी समय हो चुका है ओके दीदी बाय बाय बच्चों फिर मिलेंगे बिल्कुल आप विद्या चैनल्स देखते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी ऑफिशियल के साथ नमस्कार